तो बात है, शिफ्टिंग के बाद तो तुम्हें यही जाना। बेटा नई जगह नए लोग, तुम्हें बहुत घबरा रहा है, जल्दी आना बेटा। हाँ माँ, जल्दी आऊंगा। तेरे बिना रहने की आदत नहीं है ना, और फिर तू भी कैसे रहेगा मेरे बिना। हाँ अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है। नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। मेरा नाम शारदा है, मैं तो बस कुछ हफ्ते के लिए आई हूँ। वो क्या है ना बेटा, घर की शिफ्टिंग में लगा है तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा के नहीं। हेलो बेटा। मां मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे बेटा बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। मां कहा ना, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो क्या कहा आपके होनहार लड़के ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर फोन रख दिया। सालों से हूँ यहाँ, सब कुछ देखिए है इन आंखों ने। अब आप जितनी जल्दी इस जगह को अपना लेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे, और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है, समय से खाना मिल जाता है, शांति है, सुकून है, और कुछ नए दोस्त भी बन जाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी अपना बस भजन कीर्तन में दिल लगाइए। देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा, क्योंकि आपको कोई पूछता तक नहीं है। अरे शारदा जी, इनसे मिलिए, ये कपूर जी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब। अरे भाई साहब, ये कॉपी पेन लेकर कहाँ घूम रहे हैं? अगले महीने तीर्थ जाने वाले यात्रियों का नाम लिख रहा हूँ, बोलो तो आपका भी लिख दूँ? नहीं नहीं, तीर्थ यात्रा पर जाना तो है पर मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया है वो मुझे सारे तीर्थ घुमाएगा, और वैसे भी मुझे तो अगले हफ्ते अपने घर चले जाना है। एक हफ्ता? इनका ही एक हफ्ता तो पिछले 5 साल से पूरा नहीं हुआ। क्यों कपूर जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? आप तो सब जानते ही हैं। हेलो बेटा। बेटा आज 10 दिन हो गए, कब आएगा तू? हाँ माँ आऊंगा ना, बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा, जल्दी आऊंगा। अरे शारदा जी क्या कर रही हैं? वो क्या है ना, सर्दी आने वाली है तो मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर बना रही हूँ, तो जब मुझे लेने आएगा तो कितना खुश होगा ना ये स्वेटर देखकर। क्या शारदा जी, बेकार के सपने देख रही हैं? मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। माँ कहा ना मीटिंग में हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। मैं अभी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ माँ, बस एक हफ्ते की बात है फिर आता हूँ। माँ मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ भी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, जल्दी आऊँगा। बाद में बात करता हूँ फिर आता हूँ। अरे रहने दीजिए शारदा जी,
नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। बेटा आता हूँ माँ, बस थोड़ी सी चीजें सेटल कर फिर आता हूँ। आपको मेरी ये बातें बुरी लगती हैं, पर आप ये उम्मीद बांधना छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए, अब यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा, देख लीजिएगा मेरा बेटा मुझे लेने जरूर आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि मेरे बिना रह कैसे रहा होगा। देखिए शारदा जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने जरूर आए, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस वृद्धाश्रम में जो एक बार आ गया वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाता। आप ना बेकार की बातें करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अभी अपने बेटे को फोन लगाती हूँ, वो आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा, देख लीजिएगा। हेलो, हाँ बेटा सुन, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ मैं वो कह रहा था कि वो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ दिन और वहां पे मैनेज कर लो। शारदा जी वो फोन नहीं उठा रहे। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए। एक बार फिर से ट्राई कीजिए। शारदा जी फोन कट गया। शारदा जी ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ा। ना जाने क्यों इतनी उम्मीदें पार रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। जी, ना जाने क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें दिल दिल मरने के लिए। अरे कोई है क्या? वो चाचा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो कि एक हफ्ता हो गया हो तो आ जाए और ले जाए।